परफेक्ट मर्डर तब होता है जब आपके गंदे काम कोई और करे, वो भी आपके बताए बिना। दानियाल, दानियाल, दानियाल। कैसे मारूं उसको? बताया तो था उसको अस्थमा था। नहीं यार, हमारे पास तीन कैरेक्टर हैं और तीन मकसद हैं, लेकिन हम सिर्फ रिदा को ही क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो एक औरत है। दाया, तुम कुछ कह रहे थे वो रशियन किलर्स के बारे में। दानियाल, दानियाल ना, रशियन किलर्स? हाँ, वो किलर्स ना 3 महीने ह्यूमन बॉडी को अच्छी तरीके से रिसर्च करते थे, हर वेन हर आर्टरी को अच्छी तरह समझते थे। इसमें खून है? हाँ है, तो मतलब? नहीं यार, मैंने तुम्हें कहा था मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए, और ये बहुत बेवकूफाना हरकत लगती है। It seems like the writer is too lazy. मुझे कोई ऐसा चाहिए जो किसी अकलमंद से अकलमंद इंसान को भी बेवकूफ बना दे। कौन? सैफ? मैं तो चांडियो बोलने वाली थी, लेकिन तुम देख लो, अगर वो तुम्हें इस काबिल लगे तो। इस काबिल? बदमाश है वो। एक बदमाश जो हमारी मदद कर सकता है। टाइम क्या हो रहा है? हाँ, बस आते ही होंगे। मेरा यहाँ होना जरूरी है, वो भी उन सब के बाद जो उसने मेरे साथ किया। सीरियसली? सॉरी। उसने तुमसे कचरारे गवाया था ना 5 कैदियों के सामने, और वो कौन पागल था जो उस पर बीट भी दे रहा था? डर लगता है मुझे उस इंसान से। पता है उसने जो मेरे साथ किया, वो उससे बदतर कर सकता है। चल रहा यार। नहीं मतलब, कभी कभी अल्फाज वही नहीं होते, इंसान का चेहरा भी सब कुछ बयान कर देता है। उसको कानून का कोई डर नहीं है, वो कानून को अपने बाप की जागीर समझता है। मुझे डर लगता है उस इंसान से यार। मुझे कोई ताजुब नहीं होगा कि वो अभी यहाँ आ जाए और हम पे गोलियां बरसाना शुरू कर दे, और तुम उस इंसान की बात कर रही हो कि तुम उसको यहाँ लेकर आओ। अरे वो पागल है भाई, पागल है। Exactly. इसी टाइप का तो बंदा चाहिए मुझे। He's brilliant. अस्सलाम वालेकुम नेहा जी। अरे कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं, सब सेट? क्या लेंगे, चाय या कॉफी? दानियाल, अब तो पीछा छोड़ते हैं इसका। वे दो चाय कड़क और ऐशे भी लाके रख दियो जल्दी। चानियो साहब, आप इस वक्त आए, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे आप बस इशारा कीजिए, आसमान से ओले भी बरस रहे होंगे तो हम आने से गुरेज नहीं करेंगे। वैसे नेहा जी, इस तरह आपका हर वक्त धुएं में रहना, मैं समझता हूँ आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, ये देखिए इन्हेलर तो है मेरे पास, तो कोई मसला नहीं है। वैसे मेरे पास कुछ है आपके लिए। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे नहीं, अभी नहीं, बाद में।
चल जैसा आपका है। आराम ही साला। ये गलत है। अरे चांदनी साहब, आप कुछ बता रहे थे ना दानियाल के आने से पहले, बताएं। अरे नहीं 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 जी, कुछ नहीं। दरअसल मैं कह रहा था कि अगर थाने में किसी को लंगड़ा करना हो ना, तो उसके पाँव के नीचे नारियल फंसा पत्तों से मारना होता है उसको, जिससे वो लंगड़ा हो जाता है। इसकी भिनक भी नहीं पड़ती किसी को। वाह यार, तू तो बड़ा इंटेलिजेंट हो गया है। वैसे तो यार चाय तो बड़ी जबरदस्त बनाता है। क्या राइटिंग वाइटिंग के चक्कर में पड़ गया है? अपना कैफे खोल, चार पैसे कमाएगा तो तेरी जिंदगी ड्राइव पे आ जाएगी। खैर चलो, लेट्स स्टार्ट। चानिया साहब, आपने पढ़ा तो होगा। एक मिनट, सॉरी नेहा जी, मैं आपको कट कर रहा हूँ। मुझे दरअसल बड़ी कंफ्यूजन हो रही है वो उस लड़की के बारे में, क्या नाम है उसका, रिदा। हाँ वही रिदा। तो हम ऐसा करते हैं नेहा जी, आप रिदा बन जाए और दानियाल जो है वो दानिश बन जाएगा, और बाकी जो तीसरा बंदा है वो मैं बन जाता हूँ। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर हम तीनों एक दूसरे को बताते हैं कि हम तीनों एक दूसरे को कैसे मारते हैं। तो आप बताएं चाडियो साहब, आप मुझे कैसे मारते हैं? अरे नेहा जी, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ। चले तो नेहा जी, आपको दमा है ना? दमा? अस्थमा? क्या शुरू हो जाते हो? अरे सुन तो लो। तो नेहा जी, आपकी मेडिकल कंडीशन ये है कि आपको दमा है, तो आप दिन में एक दफा तो इनहेलर यूज करती होंगी। करती है ना? तो आपके उस इनहेलर में जो है ना, वो जहर मिलाएंगे, और हमारे यहाँ का फॉरेंसिक कौन सा इतना एक्सपर्ट है जो इनहेलर के कॉम्पोजिशन को डिटेक्ट कर सके? सिंपल है। गुड आइडिया। तो दानियाल, तुम कैसे मारोगे चांदियो साहब को? तो मर चुके हैं, अभी जहर वाली चाय जो पी है उन्होंने। क्या बोल रहे हैं बे? क्या बकवास कर रहा है? अरे नहीं नहीं, वो तो बस सिचुएशन बयान कर रहा है ना दानियाल? तूने मिलाया है ना? हाँ, और वो भी एक आई विटनेस के सामने। बेटा ये तो पुलिस को जाके गवाही दे देगी, उसके बाद अगले 5 घंटे में तो अंदर तेरा गेम ओवर। और तब नहीं, जब मैंने उसकी चाय में भी जहर मिला दिया। क्या हो गया? मुझे सिर्फ एविडेंस प्लान करना था। अच्छा तो नेहा जी, आप कैसे मारते हैं किसी को? है मेरे पास कुछ आइडियाज। एक तो दानियाल ने ही बताया था। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था ना, जिसके अंदर एक नौजवान लड़का ना, जो रेगुलर स्मोकर है, एक दिन सिगरेट का पहला कश लेते ही उसकी अचानक मौत हो जाती है। तो पता ये चलता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कि उसके अंदर ताबून नाम की गैस पाई गई है। अब तुम लोग बोलोगे ताबून नाम की गैस क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि ताबून गैस एक्सीडेंटली इन्वेंटेड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट शेडर। तो ऐसा कहा जाता है कि ये गैस 1945 में एडॉल्फ हिटलर को मारने के लिए बनाई गई थी। एडॉल्फ हिटलर, मतलब ये गैस इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक। गुड आइडिया। चांदियो साहब, आप कुछ बता रहे थे लोन। मेरे गांव में दरअसल एक बंदा था जो लोगों को लोन देता था, सेठ, बहुत ही एक नंबर का कमीना आदमी था वो। तो उसने जो है एक दिन किसी किसान को उधार दिया, तो वो उधार उसका जो है उधार नहीं सका, तो सेठ के बंदों ने उस किसान को खूब मारा।
लेकिन उसके 3 दिन बाद ही वो किसान जो है वो उसका उधार वापसी करने आ गया। तो सेठ जैसे ही पैसे गिनने लगा ना, कि मतलब इंसान अक्सर जैसे अपनी वो उंगलियों पे थूक लगा के पैसे गिनता है, तो वैसे वो पैसे गिनने लगा उसके 3 सेकंड बाद, नेहा जी उसके अगले ही 3 सेकंड बाद उसकी मौत हो गई सेठ की। अब उस किसान ने क्या किया था, हमारे उधर गांव देहात टाइप पे वो एक नहर टाइप जगह होती है, वहाँ एक सांप पाया जाता है, उसका नाम क्या था अभी मुझे याद नहीं आ रहा। उस किसान ने उसका जहर और वो उन नोटों पे लगा दिया था कि जब वो उंगली उस पे लगाई ना, वो लगा दी उसकी सेठ की, 3 सेकंड बाद ही मौत हो गई। और नेहा जी पुलिस उसको पकड़ भी नहीं पाती, लेकिन वो बस वो किसान उसको वो ख्वाब आया वो सेठ के बारे में, तो उसने खुद ही जाके सरेंडर कर दिया। तो ये होता है एक परफेक्ट मर्डर। जबरदस्त चांडियो साहब, जबरदस्त। तू पी आराम से, पी ले तू। तो तुम्हारे लिए एक चीज ला रहा हूँ पढ़ने के लिए। क्या ला रहा है? तो नेहा जी आया कुछ दिमाग में आपके? काफी अच्छा सेशन था, काफी अच्छे आइडियाज आ गए। ये क्या है? ये ले और इसका पेज नंबर 161 लाजमी पढ़ना। लेकिन मुझे रिदा मर्डरर नहीं लग रही। रिदा अपने हाथ गंदे नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि मर्डर जितने भी अच्छे से प्लान कर लो, कभी ना कभी तो पकड़े ही जाओगे। और अगर पकड़े ना भी गए तो जैसे आपने बोला, कोई ख्वाब में आकर मजबूर कर देगा सरेंडर करने के लिए। परफेक्ट मर्डर तब होता है जब आपके गंदे काम कोई और करे, वो भी आपके बताए बिना। अगर रिदा को किसी को मारना होगा तो वो खुद कुछ नहीं करती, वो इस इक्वेशन में एक और इंसान को लाएगी, वो उनके बीच झगड़ाव पैदा करेगी और फिर इंतजार करेगी उन दोनों का एक दूसरे को मारने का। दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट मर्डर।